शुरू करने से पहले मैं एक शेर पढ़ूंगी जो मैंने कहीं पढ़ा था, ये मैंने लिखा नहीं है कि कभी शब्दों से ना तय करना मेरा वजूद, कि कभी शब्दों से ना तय करना मेरा वजूद, मैं उतना लिख नहीं पाती जितना महसूस करती। नमस्कार, हेमा जोशी नाम है मेरा, और पहली बार मैंने कुछ शेर लिखना शुरू किया है, तो उसी की तीन चार शेर लिखे हैं मैंने। पहले मैं वो सुनाऊंगी, फिर अपनी कविता पर आऊंगी। तो लिखा है कि मेरे दिल की चिंगारी उसके जिस्म की आग बन बैठी, मेरे दिल की चिंगारी उसके जिस्म की आग बन बैठी, उसने समझा मुझको कायर, मैं तो शायर बन बैठी। अच्छा, जब लिखने लग जाते हैं ना तो लोग कहते हैं बदतमीज हो गई है, बिगड़ गए हैं। तो लिखा है कि सुना है लोग कहते हैं कि ये लड़की बदतमीज हो गई है, सुना है लोग कहते हैं कि ये लड़की बदतमीज हो गई है, अब क्या करूं जनाब, लिखना सीख गई है। तो ज़्यादातर मैं लड़कियों के बारे में लिखती हूँ, और आज भी मैं वही पीस लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो उसको शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि उसने कहा मुझको कि ज़रा लिखने से पहले सोच लिया कर, उसने कहा मुझको कि ज़रा लिखने से पहले सोच लिया कर, मैंने भी कहा कि इसे छूने से पहले मुझे देख लिया कर। मेरी कविता का नाम है तुझे याद तो आई होगी, ठीक है, तो शुरू करूंगी। सुन ए जिस्म के जानवर कुछ यादें ताजा करनी है तेरी, कुछ सवाल और कुछ जवाब मुख जुबानी सुननी है तेरी, कि जब दुपट्टा तूने मेरे गले से पहली बार निकाला था, जब दुपट्टा तूने मेरे गले से पहली बार निकाला था, तुझे तेरी महबूबा की याद तो आई होगी, और तेरी इन उंगलियों के निशान, तेरी इन उंगलियों के निशान जो बदन पर हैं मेरी और हमेशा रहेंगी, क्योंकि तेरे बाबा ने भी चलना सिखाया था तुझे, तुझे उनकी याद तो आई होगी। अपनी इन हथेलियों से जब छाती को तूने झकझोड़ा था, अपनी इन हथेलियों से जब छाती को तूने झकझोड़ा था, तुझे अपने माँ के पहले आहार की याद तो आई। शुक्रिया। अपनी उन हवस की सांसों को, अपनी उन हवस की सांसों को जब मेरे अंदर भरने की भरपूर कोशिश करते थे तुम, अपनी उन हवस की सांसों को जब मेरे अंदर भरने की भरपूर कोशिश करते थे तुम, तुझे अपनी बहन की याद तो आई होगी। अगला है कि वो खून से लथपथ नग्न शरीर में पड़ी थी मैं, वो खून से लथपथ नग्न शरीर में पड़ी थी मैं, बताना तुझे अपने दुनिया में पहले दिन की याद तो आई होगी। तू मुझे मिला मेरी जिंदगी के हर एक मोड़ पर, तू मिला मुझे मेरी जिंदगी के हर एक मोड़ पर, कभी भाई कभी ताऊ तो कभी मामा बनकर, तू मिला मुझे मेरी ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर, कभी भाई कभी ताऊ तो कभी मामा बनकर, बताना तुझे उन रिश्तों की याद तो आई होगी, तुझे उन रिश्तों की याद तो आई होगी। थैंक यू।